हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम हैं दिग्घा के इलाके में, और दिग्घा से आर ब्लॉक जो सिक्स लेन रोड जो बनकर तैयार हुआ है, उसका आज हम रिव्यू लेने हैं, देखने आए हैं कि कितना काम बचा है, आखिर तैयार हुआ है तो कैसा है, क्या सुविधाएँ दी गई हैं। अभी हम दिग्घा में, और दिग्घा वाले इलाके में आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये सब अभी रखा हुआ है। इधर अभी फिल्डिंग का काम नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पे ही है दिग्घा के साइड। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट मिलते रहेगा। ये कुछ बच्चे यहाँ पे अपनी मस्ती मटरगस्ती कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे, और ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो लगातार जारी है। 2021 में बहुत सारी नई सौगातें मिलने को देखने को मिलेगी। देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, जेसीबी वगैरह सब अभी काम पे लगा हुआ है दिग्घा के साइड में। अभी यहाँ से शायद एक फ्लाई ओवर बनेगा पीछे की तरफ, दिग्घा की तरफ, जो कि अभी बनने वाला है, अभी पूरा बना नहीं है। और हम लोग अब चलेंगे दिग्घा से आर ब्लॉक की तरफ। फिलहाल अभी हम हैं साइड वाले रोड में, जिसको सर्विस रोड कहा जाता है। दोनों तरफ सर्विस रोड दी गई है, काफ़ी अच्छी पहल है। सर्विस रोड देने से एक फ़ायदा होता है कि छोटी छोटी गाड़ियाँ जो होती है वो सर्विस रोड से निकल जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू मार्ग 4 किलोमीटर, आर ब्लॉक 6 किलोमीटर, बस स्टैंड 8 किलोमीटर, पटना जंक्शन 8 किलोमीटर। तो यहाँ से आप जवाहरलाल नेहरू मार्ग, आर ब्लॉक, बस स्टैंड, पटना जंक्शन, सभी जगह जा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से आप बस स्टैंड भी जा सकते हैं। दिग्घा से निकलेंगे, आर ब्लॉक से होते हुए बस स्टैंड चले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिलहाल अभी हम दिग्घा से बढ़े हैं आर ब्लॉक की तरफ, और ये गंगा विहार कॉलोनी का इलाका है। मेरे लेफ्ट साइड में गंगा विहार कॉलोनी का, यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी गई है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर स्पीड लिमिट काफ़ी है, 40 किलोमीटर से ज़्यादा चलना भी नहीं चाहिए, 50-60 आप जा सकते हो। अभी फिलहाल शायद बहुत गाड़ियाँ जो है वो वन वे से जा रही है, उसी गाड़ी से आ रही हैं, मतलब कि एक ही लेन में दोनों आ भी रही है और जा भी रही है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत स्ट्रक्चर किया गया, दोनों तरफ से सर्विस रोड दी गई है और बीच में मेन रोड दिया गया है। सर्विस रोड इसलिए दी गई ताकि कोई मॉर्निंग वॉकिंग कर सके, साइकिलिंग कर सके अपना सुबह सुबह। सर्विस रोड में ज़्यादा स्पीड गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। और जैसे ही हम दिग्घा से थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे आर ब्लॉक की तरफ, तो यहाँ से हम लोग के एक फ्लाई ओवर देखने को मिलेगा, जिस पर हम अभी चल रहे हैं, वो एक फ्लाई ओवर भी आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है ये मेरे को, आई डोंट नो कि कौन है। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से शेडिंग दी गई है ब्लू कलर की, ये देखिए ब्लू कलर की शेडिंग दी गई है दोनों साइड से। और ये शायद राजीव नगर वाला फ्लाई ओवर है, आई होप, मेरे को पता नहीं है, बट ये शायद कि राजीव नगर वाला ही फ्लाई ओवर है। इस पे गाड़ी स्पीड चलती है 60-70-80 आप आराम से चला सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल रोड जो है वो खाली है, क्योंकि अभी इसमें उतनी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, बाद में चलेंगी। और ये हम लोग फ्लाई ओवर क्रॉस करते हुए, और अभी फिलहाल हम लोग हैं कौन से इलाके में आपको बता दूं, अभी हम लोग हैं न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी। लेफ्ट साइड मेरा अभी है न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी का इलाका है मेरे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में शायद राजवंशी नगर का इलाका है, महेश नगर का इलाका है मेरे राइट साइड में, और मेरे लेफ्ट साइड में पाटलिपुत्रा कॉलोनी था। ऐसे ऐसे रॉन्ग साइड में आ जाते हैं यार, कभी वीडियो बनाने के दौरान एक्सीडेंट भी हो सकता है। बस पड़ाव भी लगा दिए गए हैं पाटलिपुत्र कॉलोनी और ब्लॉक, हर जगह बस पड़ाव भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि इस वाले रोड में जो है वो बस काफी चलेंगी, और इसलिए बस पड़ाव जगह जगह पे लगा दिए गए हैं। और ये है महेश नगर का इलाका, महेश नगर के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे दिग्घा से निकलेंगे आर ब्लॉक की तरफ, और महेश नगर की के पास पहुंचेंगे, महेश नगर पटना का एक इलाका है, पांच इलाकों में से एक है महेश नगर का इलाका। तो यहाँ पे आपको एक और फ्लाई ओवर देखने को मिलेगा, जहाँ जैसे हम अभी चल रहे हैं जिस फ्लाई ओवर पे, तो महेश नगर का ही फ्लाई ओवर है, महेश नगर इलाका के पास
एक फ्लाई ओवर दिया गया है। दिग्गा से आप आर ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक फ्लाई ओवर मिलेगा। इस फ्लाई ओवर को क्रॉस करेंगे तो नजदीक पहुंच जाएंगे हम लोग, आर ब्लॉक के नजदीक पहुंच जाएंगे। और एक बात आपको बता दूं भाई कि या फिर आप दिग्गा से आर ब्लॉक आइए या आर ब्लॉक से दिग्गा जाइए, आपको इलाके तो वही मिलेंगे। और एक बात आपको बता दें, इस फ्लाई ओवर मतलब कि इस सिक्स लेन रोड में क्या खासियत है, इस सिक्स लेन रोड में बहुत सारी फ्लाई ओवर है, तीन चार फ्लाई ओवर तो हो गई होगी क्योंकि फ्लाई ओवर मिलते जा रहा है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चलते चलते बोर्डिंग रोड, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बोर्डिंग रोड का इलाका है, लेफ्ट साइड मतलब कि इस साइड बोर्डिंग रोड का इलाका है। और सीधा हम चलते रहेंगे तो आर ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। और बोर्डिंग रोड जैसे ही आप क्रॉस करेंगे दिग्गा से आने के दौरान तो आपको एक और फ्लाई ओवर देखने को मिलेगा। आप देखिए एक और फ्लाई ओवर यहाँ पे मिल गया जो कि सीधा चला जाएगा आर ब्लॉक पटना जंक्शन के तरफ। जैसे ही बोर्डिंग रोड से आप आगे बढ़ेंगे आपको एक और फ्लाई ओवर मिलेगा जिस फ्लाई ओवर पर हम चल रहे हैं। और इस फ्लाई ओवर को जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग सीधा आर ब्लॉक चले जाएंगे। ये फ्लाई ओवर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, इसके नीचे बेल रोड वाला रोड है जो कि बीजीएस रोड है, पटना का वन ऑफ द बीजीएस रोड। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी रोड की मैं अभी बात कर रहा हूँ। पिछली बार का वीडियो में आपने देखा होगा कि इस वाले का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो बनाए थे, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आपको दिख जाएगा। और ये देखिए ये है बेली रोड का इलाका, मतलब कि ये सामने चला जाएगा आपका डक बंगला की तरफ। और अगर आप पीछे जाएंगे तो आप चले जाएंगे पटना जू की तरफ। तो यहाँ पे एक फ्लाई ओवर बनाया गया है जो कि पिछले वीडियो में बनकर तैयार नहीं था, अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इस फ्लाई ओवर को जैसे ही आप लोग क्रॉस करेंगे तो आप आर ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे, एकदम सीधा आर ब्लॉक के पास ही पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग क्रॉस करते हैं। उसके बाद आप आर ब्लॉक चले जाएंगे। ये फ्लाई ओवर यहाँ पे डाउन होता है, यहाँ पे गिरता है, और जैसे ये फ्लाई ओवर यहाँ पे मतलब कि ख़त्म होगा ये फ्लाई ओवर तो आप आर ब्लॉक के इलाके में पहुँच जाएंगे। लाइटिंग का काम चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे लाइट वगैरह लगाई जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा लाइटिंग में कि अभी बहुत जगह लाइटें नहीं लगी हैं, सिर्फ पोल ही पोल अभी लगा हुआ है, अभी लाइटिंग उसमें लगाना बाकी है। तो ये फ्लाई ओवर ख़त्म हो गया और दरोगा प्रसाद राय पथ फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं। लेफ्ट साइड में दरोगा प्रसाद राय पथ है और मेरे राइट साइड में आप अगर आप गली से होके जाएंगे तो आप इको पार्क के तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्ट्रक्चर दी गई है, इस रोड को बनाने में काफ़ी सारे पेड़ जो है वो काटे गए थी, बहुत पेड़ काटी गई थी पर उसको रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, उसको बीच बीच में लगाए गए, उसमें पेंटिंग की गई। और यहाँ पे भी अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, ये अंकल अभी पेंटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए पेंट से भरी हुई पेड़, ये भैया जी अभी पेंट कर रहे हैं। और ये बख्तियारपुर राजगीर बोधगया बरौनी, आप इस रोड के माध्यम से सीधा अगर आप चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे। एक सामने आप देखिए वो आर ब्लॉक वाला फ्लाईओवर है जो कि कुछ दिन पहले इसका भी इनॉग्रेशन हुआ था। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आर ब्लॉक, और ये आर ब्लॉक का बस पड़ा हुआ है, आप देखिए आर ब्लॉक बस पड़ा हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।